तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बी स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बी ए फर्स्ट सेमेस्टर की माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है। इसमें हमने कुछ मेथड्स के बारे में जाना कि कैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम आज फैक्टर्स के बारे में जानेंगे के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। फैक्टर्स यानी जिनके चेंज होने से हमारी डिमांड भी चेंज हो जाती है, और चेंज हो जाती है तो कितनी चेंज हो जाती है, तो उन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डिमांड के भी कुछ फैक्टर थे, तो ऐसे ही हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी कुछ फैक्टर है। अब जैसे इनके क्या क्या फैक्टर है, अब सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी, यानी कि जो भी हम चीज परचेज करने वाली है उसका कैरेक्टर कैसा है, यानी कि वो कोई नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है या कोई कंफर्ट वाला प्रोडक्ट है या कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड भी चेंज होती है। अब कैसे चेंज होती है, देखिए, अगर कोई नेसेसिटी वाला आइटम है यानी कि हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे कि इसमें आ जाती है हमारी मेडिसिन। अब जैसे कि मेडिसिन खाते हैं, आप सब बीमार होते हैं तो मेडिसिन खाते हैं, तो अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो उसकी क्या डिमांड ज्यादा चेंज हो जाती है या चेंज हो जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी मेडिसिन थी, गोली थी ये 10 रुपीज की, 10 रुपीज की, तो ये अगर 5 रुपीज की हो जाए तो क्या आप दो खा लेंगे एक साथ? नहीं ना, एक ही खाएंगे ना, क्योंकि एक ही बताई है डॉक्टर ने, तो एक ही खानी पड़ेगी। तो मेडिसिन क्या, अगर इसका प्राइस भी कम हो जाता है तब भी हमारी डिमांड उतनी ही रहती है, क्यों, चेंज नहीं होती, क्योंकि वो नेसेसिटी इतनी है, इतनी खाएंगे। अब जैसे नमक का एग्जांपल ले लें कि अगर नमक सस्ता हो जाए तो खाने में ज्यादा थोड़ी डालने लग जाएंगे, उतना ही डालेंगे ना जितनी जरूरत है। तो वैसे ही क्या, उनके प्राइस के कम होने से या ज्यादा होने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, समझ में आया? तो वो नेसेसिटी वाले में होता है, यानी कि इनकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक, बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। ऐसी होती है कंफर्ट वाली चीज, जैसे कि जो हमको कंफर्ट देती है, जैसे कि हमारा बेड, अलमीरा, ये हमारे जीवन को आसान बनाती है, यानी कंफर्ट देती है। तो इसमें क्या होता है, अगर इसके प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड भी क्या होती है, सिर्फ थोड़ी ही चेंज होती है, ऐसे बिल्कुल ही चेंज नहीं हो जाती, चेंज आ जाता है। यानी कि इसमें भी अगर कोई चीज पहले 100 मान लेते हैं 10,000 की थी, 10,000 का बेड था एक, तो जब हमारे पास 10,000 नहीं थे, अब क्या हो गई, वो हो गया 9,000 का, यानी उसका प्राइस चेंज हो गया, तो हमने उसको अफोर्ड कर लिया, वो अफोर्डिंग रेंज में आ गया, तो हमने उसको परचेज कर लिया, समझ में आया? तो यानी डिमांड भी चेंज हो जाती है, तो इसमें इलास्टिक रहती है कंफर्ट वाली चीजों में। जैसे कि फूड वगैरह, ये फूड वगैरह एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बर्गर है। अब बर्गर क्या कितने का था, पहले 25 रुपीज का था, तो पहले हम खा लेते थे, एक खा लेते थे, लेकिन अब वो हो गया 20 रुपीज का। तो ऐसा तो नहीं है कि 4 बर्गर खा जाओगे, 5 बर्गर खा जाओगे, है ना, वो खाने की चीजें जितने पेट में जाओगे उतने ही खाओगे। तो उसमें ये डिमांड में चेंज आता है, लेकिन थोड़ा चेंज आता है, एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ये भी हो गया कंफर्ट। अब कोई चीज लग्जरी है, लग्जरी मतलब कोई चीज दिखावा, दिखावटी चीज है, जैसे आईफोन आजकल ट्रेंड में चलता है, आईफोन, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास है। तो कार्स वगैरह हो गए, इनमें क्या लग्जरियस होती है, यानी कि ये दिखावटी चीजें होती है, ज्यादातर गोल्ड वगैरह, चेन, गोल्ड चेन हो गई, डायमंड हो गया, तो इनके अगर प्राइस में चेंजिंग आती है हल्की सी भी, तो डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। मान लेते हैं जैसे ही इनका प्राइस हल्का सा भी कम होता है ना, तो इनमें डिमांड में क्या ज्यादा चेंज आता है, यानी कि हल्का सा प्राइस कम हुआ तो लोग इसकी डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं, इसलिए इसकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है, क्योंकि इनके हल्के से प्राइस में चेंज आने से ही डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाती है। जैसे हल्का सा सस्ता हुआ आईफोन, तो लोगों ने सेल में परचेज कर लिया, है ना, ऐसे ही होता है। अब आ जाता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी हम पढ़ लिया हमने। अब आती है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि इसकी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। अगर है, इन केस अगर है यानी कि अवेलेबल है, तो इसमें क्या होगा, जैसे टी और कॉफी का एग्जांपल है, जैसे कि चाय और कॉफी, तो चाय और कॉफी क्या, मान लेते हैं चाय का प्राइस बढ़ गया, चाय का प्राइस बढ़ गया, है ना, तो हम किधर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी की तरफ, यानी चाय की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी ना, यानी कि अब हम कॉफी की डिमांड करने लगेंगे, तो यानी कि डिमांड में चेंज आया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक, यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड में चेंज आ जाता है। अब जैसे एग्जांपल के, जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपीज है, मैं गया कॉफी पीने, अब कॉफी थी 15 रुपीज की,
तो उनपे चाय भी थी जो कि 10 रुपए की थी, तो मैंने भाई चाय पिला दो, तो मैं किधर की तरफ शिफ्ट हो गया, चाय की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था। इतना क्लियर हुआ? तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो हमारी डिमांड भी चेंज हो जाएगी, यानी कि इलास्टिक होगी। अब इन केस अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, हम मान लेते हैं यहां पर तो इलास्टिक होता है अगर अवेलेबल है, अगर अनअवेलेबल है, यानी कि अगर मान लेते हैं टी है, अब टी है, कॉफी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, भूल जाओ कॉफी नाम की कोई चीज होती है, खाली चाय है, तो चाय में क्या होगी, उसकी मोनोपोली होगी। अब ये 10 रुपए की और 15 या 20 लोगों को पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, तो डिमांड वो बदल नहीं सकते, डिमांड चेंज ही नहीं होगी, लोगों को पीने ही पड़ेगी, तो पीनी ही पड़ेगी, तो डिमांड बदलेगी नहीं, यानी कि डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी, डिमांड चेंज ही नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। समझ में आया? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब आता है इनकम लेवल। इनकम लेवल देखिए, अब इनकम लेवल में भी दो तरह की होती है, किसी की ज्यादा इनकम होती है, किसी की कम, किसी की हाई, किसी की लो। तो अगर हाई लेवल ऑफ इनकम है, यानी कि सेलिब्रिटी वगैरह लोग आ गए, तो इसमें क्या हुआ, सेलिब्रिटी वगैरह आ गए, तो उसमें क्या कि जैसे 100 रुपीज का पिज्जा है, मान लेते हैं 100 रुपीज का पिज्जा है, अब वो हो गया 130 का, प्राइस बढ़ गए 30 रुपीज से, तो क्या उनको कोई असर पड़ेगा, खुद बताइए, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि उनको क्या भाई, उनकी इतनी ज्यादा इनकम है, तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि 30 रुपए तो बढ़े हैं, चलो कोई नहीं, उनकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हाई लेवल ऑफ इनकम में डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी कि उनकी डिमांड में चेंज नहीं आता, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज्यादा होती है कि चाहे प्राइस किसी भी चीज के जितने भी बढ़ जाए वो बाय कर लेंगे, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर के अंदर आती है वो चीजें। जैसे कि यहाँ पर पिज्जा का एग्जाम्पल लेके समझा कि 100 का था, 130 का हो गया, तो क्या हो गया, वो तब भी अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि बहुत छोटी सी चीज है उनके लिए, चेंज ही नहीं है वो चीज, तो वो अफोर्ड कर लेंगे। अब जैसे कि नॉर्मल कंज्यूमर का क्या होगा, अब जिनकी इनकम लो है, यानी लो लेवल ऑफ इनकम है, जिनकी कम है, जैसे कि हमारे जैसे लोग, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी चेंज आएगा, जैसे कि यहाँ पर 100 से 130 हो गया, तो हम किस में 100 वाले का सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेंगे कि हम कर देंगे पिज्जा छोड़ो बर्गर खा लेते हैं, है ना, कुछ और खा लेते हैं, तो क्या होगी, हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया है। तो इसमें क्या, लो लेवल इनकम में डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है, क्योंकि डिमांड में चेंज आ जाता है प्राइस के बढ़ने से, क्योंकि लो लेवल इनकम है। समझ में आया इनकम लेवल। अब आती है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनिंग परचेजेस, यानी कि हम किसी चीज को बाद में खरीद सकते हैं या नहीं, यानी कि अभी नहीं खरीद सकते, बाद के लिए हम किसी भी चीज को टाल रहे हैं, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी उसको खरीद सकते हैं, या फिर यह अभी ही जरूरत है, उस केस में आता है। तो एक केस अगर अर्जेंट है, कोई चीज अर्जेंट है, अर्जेंसी है कि मेरे को अभी ही लेनी है। अब जैसे मान लेते हैं मुझे शाम को शादी में जाना है, तो मेरे पास जीन्स नहीं है, तो जीन्स नहीं है तो मुझे तो लेनी ही पड़ेगी भाई, शाम को शादी में जाना है, तो क्या होगा कि अब वो जीन्स चाहे मुझे 700 की मिले, 800 की मिले, 900 की मिले, मुझे तो परचेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे पे और कोई चारा ही नहीं है, चारा ही नहीं है ना, अर्जेंट है, तो उसमें क्या मैं डिमांड को कम नहीं कर सकता, क्योंकि तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, डिमांड तो होगी होगी, तो उसमें क्या होगा, इनइलास्टिक, यहाँ पर डिमांड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अर्जेंट है मुझे, वो अर्जेंट में चाहिए, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। अब कोई चीज मैं बाद के लिए बचाकर रखता हूँ कि मेरे को अभी इतनी जरूरत नहीं है, बाद में ले लेंगे, जैसे कि फोन, जैसे कि मोबाइल फोन को ले लेते हैं, कि मोबाइल फोन था 18,000 का, मोबाइल फोन था, अब 18,000 का था, मेरे पास अभी है नहीं 18,000, और ना मुझे लेना है इतनी जल्दी, जरूरत भी नहीं, अभी ठीक ठाक चल रहा है फोन, तो क्या होगा, सेल आएगी, मैंने इंतजार करा कि कोई अभी सेल आएगी, तो उसमें इसका प्राइस ड्रॉप हो सकता है, तो अगर इसका प्राइस ड्रॉप होगा तब मैं इसको परचेज करूंगा, यानी कि अब इसका अभी मेरे को जरूरत नहीं है, नहीं है ना, तो इसको बात के लिए रख लिया कि अगर सेल का इंतजार करा, अगर सेल आएगी, जैसे बहुत सारे यूजर्स ने आईफोन बाय किया होगा, सेल में क्या कि सेल आएगी तो मैं तब बाय करूंगा, क्यों, क्योंकि उसकी अभी प्राइस ज्यादा है, तो मैंने क्या करा, पोस्टपोन कर दिया उसको, कि अभी नहीं परचेस कर रहा, बाद में परचेस करूंगा, यानी कि डिमांड अभी नहीं कर रहा, तो उसकी डिमांड चेंज हो गई, यानी कि इलास्टिक। समझ में आया? ठीक है। अब नंबर ऑफ यूजेस, अब नंबर ऑफ यूजेस में क्या आ जाता है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ यूजेस है या कम है, तो ज्यादा नंबर ऑफ यूजेस में क्या आ जाएगा हमारा, कि जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं मिल्क से बनते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें मिल्क से बनती है, तो मिल्क का उपयोग बहुत सारी चीजों में बनाने के लिए किया जाता है, तो अगर मिल्क के प्राइस
कम हो जाते हैं तो डिमांड ज्यादा करेंगे लोग। अब जैसे मिल्क के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, अब तो लोग घर पे ही दही, घर पे ही मिठाइयां बन रही है, सब चीज घर पर ही हो रहा है ना, तो मिल्क के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, तो लोग डिमांड करेंगे कि अब तो सारी दूध की चीजें घर पर ही बनाएंगे, तो इसकी डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, यानी कि ज्यादा चेंज आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम इलास्टिक बोलते हैं, चाहे आपको इसको हाईली इलास्टिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ यूजेस भी ज्यादा है। समझ में आया? अब अगर नंबर ऑफ यूजेस कम हो, जैसे कि अगर लैपटॉप लेना है, हमें लैपटॉप लेना है, लैपटॉप परचेज करना है, तो उसके तो इतने यूजेस नहीं है, मतलब लैपटॉप का काम तो लैपटॉप ही करेगा ना, और कोई थोड़ी कर सकता है, तो कम यूजेस है, कम यूजेस में क्या होगा कि हम डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होता है, ये इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक हो जाती है, यानी कि लैपटॉप का काम लैपटॉप ही कर सकता है, इसलिए हमको उसको ही बाय करना पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइस हाई हो जाए या लो हो जाए, तो हमें वही परचेज करना पड़ेगा। तो ये समझ में आया कि जब नंबर ऑफ यूजेस मोर होते हैं और लेस होता है, तो इन केस में हमारी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक होती है, समझ में आया, या मोर इलास्टिक होती है। अब ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है कि हिंदी में ही ये सब चीजें लिखी हुई है, बाकी पूरा समझने का यही है कि मांग के कारण, देखो फैक्टर्स ऑफ डिमांड यही होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो वस्तु का चरित्र यानी कैरेक्टर ऑफ द कमोडिटी यही है, विकल्प की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, आय का स्तर, इनकम लेवल, वो ये क्या, खरीदारी टालने की संभावना यानी चांस ऑफ पोस्टपोनमेंट। अब ये उपयोग की संख्या यानी नंबर ऑफ यूजेस किसी भी चीज के हैं, तो उन पर क्या होगा, डिमांड हमारी इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी, या जो भी होगा। अब ये तो एग्जांपल ही है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच।